एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? और स्वागत है आपका मेरे इस न्यू व्लॉग में एक न्यू प्रोडक्ट के साथ। और ये है बहुत ही वायरल वाला पिलग्रीम का इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर, पिलग्रीम रोजी ग्लो इल्यूमिनेटिंग मॉइस्चराइजर। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका रिव्यू। सबसे पहले देखो इसकी पैकेजिंग, 30 ml की पैकेजिंग है, 445 rupees का है, बट इसकी पैकेजिंग सुपर क्यूट है, इंस्टेंट ग्लो देता है। और ये आपको ना पिंक पर्ल लाइका टिन जैसा दिखता है, लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है, हाइड्रेट करता है स्किन को, प्लस बहुत ही सॉफ्ट और इल्यूमिनेटिंग बनाता है। ये बेस्ट ऑफ मेकअप प्लस स्किन केयर टू है। नेचुरल रोजी रेडियंस लुक के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो एज अ हाइलाइटर, या आप अपने इसको फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हो। मॉइस्चराइजर प्लस हाइलाइटिंग है, तो इसमें जो इसके शिमर्स है ना, ये बहुत ही फाइन है, जो बिल्कुल आपके स्किन में ऐसे लग जाएंगे कि जैसे आपकी नेचुरल स्किन दिखाई देती है, बिल्कुल भी चंकी नहीं लगता है ये। फ्रेंड्स की बात करूँ तो इसमें है ऑस्ट्रेलियन ककाडो प्लम विथ विटामिन सी, जो हमारे स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर इसकी बेनिफिट बताओ तो गिव्स इंस्टेंट रोजी ग्लो हाइलाइटिंग इफेक्ट देता है, प्लस सन प्रोटेक्शन भी है SPF 15 के साथ, और ये नॉन स्टिकी है, तो आपकी स्किन पर अगर आपकी ऑयली स्किन है तो भी ये आपको सुपर सूटेबल होगा। मैंने ऑलरेडी इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए जिससे मैंने इसको किस तरह से लगा सकते हैं वो भी शेयर करी हूँ। अगर आप चाहो तो फाउंडेशन में लगा लो, आप स्किन केयर में यूज़ कर लो, आपको नेचुरल मेकअप चाहिए तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हो, आप अपने मॉइस्चराइजर में इसको लगा के यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी तरह से यूज़ करो, ये आपको बहुत ही अच्छा ग्लो देता है और नेचुरल सी स्किन दिखाई देती है। मेरा तो ये डेली हीरो है, मैं इसको एज अ डेली यूज़ में इसको यूज़ करती हूँ। और मोस्टली मेरा जो मेकअप ट्यूटोरियल होता है ना, तो उसमें आप देखोगे कि मैं इसको बहुत अच्छे से इसको यूज़ कर लेती हूँ, बिकॉज एक नेचुरल सा ग्लो देता है आपके फेस पर। अगर आपको नेचुरल मेकअप चाहिए तो सिर्फ इसको लगा के आप थोड़ा सा मेकअप कर लो तो इट्स गुड टू गो। तो गाइस, ये था आज का ब्लॉग हमारे एक नए प्रोडक्ट के साथ। लेट मी नो कमेंट बॉक्स के आप लोगों को कैसा लगा, इसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो मस्ट गो चेक आउट करना। और मुझे कमेंट करना ना भूलना कि ये आप लोगों को कैसा लगता है, और अगर आप लोगों ने यूज़ किया है तो आपका एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ गाइस एंड गुड नाइट।